नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमए विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और हम हाजिर हैं हमारी साइंस की इस क्लासरूम के साथ। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आज का हमारा ये सत्र रहेगा। तो आप हमारा ये कार्यक्रम पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव देख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, हम पढ़ेंगे वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज एक्सक्रेशन। और हमेशा की तरह एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस विषय पर आपको तमाम जानकारियां देंगे। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर सुशील कुमार सर, इज पीजीटी बायोलॉजी एट केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश। नमस्कार सुशील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस सत्र में। गुड आफ्टरनून मुक्ता मैम और पीएमई विद्या सुनने वाले और देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, और हमारे सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपके किसी भी तरह के प्रश्न हो आज के सत्र के लिए, आज के विषय के लिए, तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस रहेगा dth.class10@cit.nic.in। ईमेल एड्रेस इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सत्र हम शुरू करते हैं, सीधे सुशील सर की तरफ रुख करते हैं। सुशील सर, एक्सक्रेशन आज हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, तो क्या क्या हम इस प्रोसेस के अंडर कवर करेंगे और किस टॉपिक से आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे सर? यस मैम, मैं एक्सक्रीशन डिटेल में जाने के पहले जो लाइफ प्रोसेस है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों को। जो हम लोगों ने पिछले टाइम पर ये सारी लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने जिक्र किया था कि मेरे आपके रहने के लिए जो भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो जरूरी होती हैं, मतलब मेरा आपका एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है इस प्लेनेट पर जब कुछ फंक्शन और कुछ प्रोसेस हैं वो सुचारू रूप से चले। सो देयर आर सर्टेन बेसिक वाइटल प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे हेल्दी एंड टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज ऑर्गन सिस्टम। सो दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। These basic structural activity performed by an organism are called life processes. So, मुक्ता जी, मेरे आपके जीवन में ये जो सात processes हैं जो आप स्लाइड में देख पा रही होंगी, ये बहुत जरूरी होती हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में। जब ये सातों प्रोसेस बड़े अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चलती हैं तो एक हेल्दी जीवन अच्छे से चलता है। सो मैं उन सातों प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता दूं। मूवमेंट, it is the one of the basic process. Another one is reproduction, third one is the sensitivity, fourth one is the nutrition and the respiration and the growth, and the last one is the excretion. So excretion ke bare mein aaj hum log zyada detail mein baat karenge. Bachcho, agar hum excretion ki baat kare, agar hum iski definition se start kare, सो मेरे आपके शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं जिन्हें हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इन सारी रिएक्शंस को मिला के जो भी गतिविधियां एक्टिविटीज होती हैं इन्हें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रकार की एक्टिविटी आती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, मतलब मैंने आपने जो भी भोजन किया, जो भी हमने भोजन को लेने के बाद मेरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट हुआ, उसका कुछ भाग जो वेस्ट के रूप में बना और जो भी अलग अलग फूड कंपोनेंट हमने लिए, सपोज हमने प्रोटीन लिया तो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा और फिर अमीनो एसिड और पेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और उसके बाद मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में जो भी सबस्टेंस बने उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। सो हम कह सकते हैं कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगर हम कहें कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो धरती पर पाए जाते हैं ये अलग अलग ढंग से अपने शरीर से ये एक्सक्रीटी सबस्टेंस को बाहर निकालते हैं, चाहे वो पानी में पाए जाने वाले एक्वेटिक एनिमल हो या जमीन पर पाए जाने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल हो। तो इट हैज बीन सीन दैट मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। सो सिंपल डिफ्यूजन यूजुअली टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस।
चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते जो एक कोशिका के बने होते, उनके बाहर सिंगल लेयर की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती, उसके थ्रू कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा होता है और जिस जगह कम होता है तो उसमें डिफ्यूजन एक गतिविधि होती जो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है चीजें, और इस प्रकार से वो अपने वेस्ट सब्सटेंस को डिफ्यूजन के आधार पर निकाल सकता है। एज वी हैव आल्सो सीन इन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द एक्सक्रीशन। सो जैसे मेरे आपके शरीर में मुक्ता जी बात करें, देयर आर सो मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन आर फाउंड जो मेरे शरीर से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती हैं। और मुक्ता जी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ना केवल मैं और आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनमें, बल्कि हमारे चारों तरफ जो हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें भी चूंकि जीवन होता है और जीवन होगा तो उसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी होती है उसके द्वारा जो वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं उनको भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल नीड टू गेट रिड ऑफ वाटर एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। वाटर इसलिए कहा कि अगर ज्यादा मात्रा में वाटर है तो फिर उसको लिक्विड फॉर्म में यूरिन के रूप में इंसान बाहर निकालते हैं, एनिमल्स बाहर निकालते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो मेरे आपके शरीर में जनरेट होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो वो वेस्ट में यूजुअली आपने देखा होगा हम और आप लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो हवा जाती है उसमें से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फिर फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का एक वेस्ट है। वाटर ऐसे ही एक्सेस वाटर अगर हमारे शरीर में पहुंचता है जो भी हम पीने से और खाने खाद्य पदार्थों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में वाटर होता है उसको भी बाहर निकाला जाता। साल्ट जो अलग अलग चीजें हम खाते हैं और बाहर से भी हम टेबल साल्ट के रूप में जो NaCl लेते हैं उसकी ज्यादा मात्रा शरीर से बाहर निकालनी बहुत जरूरी होती है। और जैसा कि हमने अभी शुरुआत में बताया था कि हमारे शरीर में और हर जीवधारी के शरीर में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं क्योंकि हम और आप लोग अपनी डाइट में जो लेते हैं प्रोटीन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से अमीनो एसिड और अमीनो एसिड नाइट्रोजनस कंपाउंड से बनते हैं। तो ये वेस्ट हुए और ये जब अमीनो एसिड एंड प्रोटीन टूटते हैं तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। अगर हम कहें टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे अमोनिया एक वेस्ट है, यूरिया ये एक प्रकार का वेस्ट है और यूरिक एसिड ये वेस्ट है। अगर हम इसमें टॉक्सिसिटी का ऑर्डर आपको बच्चों डिस्कस करें, मतलब कौन हमारे शरीर से तुरंत निकालना जरूरी है नहीं तो वो हमें और आपको विषाक्तता कर देगा, हमें आपको टॉक्सिसिटी कर देगा, तो अमोनिया इज सेड टू बी हाईली टॉक्सिक। यह सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, डेट इज वाई अमोनिया को या तो तुरंत शरीर से बाहर निकाला जाता या अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में तुरंत बदला जाता। दूसरा टॉक्सिक सब्सटेंस जो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, मतलब दूसरे और नंबर पर हम कह सकते हैं, वो यूरिया होता है और ये यूरिया हमारे शरीर में बनता है, एक साइकिल होता है ऑर्निथिन साइकिल जो लीवर में होता है, लीवर इसमें मदद करता है। तो हमारे शरीर में जो अमोनिया बनता है उस अमोनिया चूंकि टॉक्सिक होता है उसको जल्दी से यूरिया में तब्दील किया जाता है। और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं पानी में पाए जाने वाले, उनके शरीर में जो अमोनिया बनता है उसे वो पानी में घोल के शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। तीसरे प्रकार का जो स्टीटी सब्सटेंस नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं, हमने आपने कई बार चिड़ियों की ड्रॉपिंग देखी होगी मुक्ता जी, वो सफेद पाउडर फॉर्म में जो हमारे आपके कई बार आसपास देखी होगी, या फिर हम लोगों ने रेप्टाइल की ड्रॉपिंग देखी होगी, छिपकली की देखी होगी, तो देखा होगा वो पाउडरी सब्सटेंस जो निकलता है, वो जो पाउडरी सब्सटेंस जिसमें बहुत कम मात्रा में पानी पाया जाता है, लेस वाटर होता है, और ये कहलाता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो टॉक्सिटी का ऑर्डर हुआ अमोनिया इज मच मच मोर टॉक्सिक देन यूरिया एंड यूरिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड। हम जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनके आधार पर कौन सा ऑर्गेनिज्म किस वेस्ट को सबसे ज्यादा
मात्रा में एक्सक्रीट करता है, उसके आधार पर हम जो एक्सक्रीशन है और इस फिनोमेनन को हम अमोनोटेलिक भी कह सकते हैं, अर्थात अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स अमोनोटेलिक एनिमल कहलाते, यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल यूरियोटेलिक एनिमल कहलाते, और यूरिक एसिड को जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, जैसे हमने अभी आपसे बात की थी कि रेप्टाइल एंड बर्ड्स ऐसे क्रिएचर हैं जो वाटर कंजर्वेशन शो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने शरीर से पाउडरी रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं, तो ये कहलाई यूरिकोटेलिक एनिमल। हमारे आपके अगर बात करें मुक्ता जी, तो मेरे आपके शरीर में जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो मुख्य ऑर्गन होता है जो एक्सक्रीशन में मदद करता है, उन्हें हम किडनी कहते हैं, और ये हर व्यक्ति के शरीर में दो संख्या में होती हैं, और ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे वाली बैक बोन होती है, जो उसके दोनों तरफ पाई जाती है, अर्थात पीछे की तरफ स्थित होती है। मेरे सामने की जो साइड है ये कहलाती है वेंट्रल साइड, और पीछे की जो पीठ वाली साइड हुई, जिसके सहारे हम लोग लेटते हैं या कुर्सी से टिकते हैं, वो कहलाती डॉर्सल साइड। तो ये किडनी जो होती है ये डॉर्सली सिचुएटेड होती है, दो नंबर में होती है, मतलब संख्या में दो होती है, और हमारी रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों तरफ स्थित होती है, और इनका काम होता है नॉन सॉलिड वेस्ट को इलिमिनेट करने में मदद करना। हमारे जो फेफड़े होते हैं, ये भी भगवान ने हमें दो की संख्या में दिए हैं, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में होते हैं और प्लूरल कैविटी के अंदर बंद होते हैं, और ये हमें मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर निकालने में। हमारे शरीर में स्वेट ग्लैंड होती, पसीने वाली ग्रंथियां होती, जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म होती जो किडनी लंग्स और स्वेट ग्लैंड ये सब मिलके मदद करते हैं उसको अच्छे से शरीर को, होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो होम्योस्टेसिस एक फिनोमेनन होता है जिसमें टेंडेंसी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, तो इसमें ये किडनी हुआ, लंग्स हुआ, स्वेट ग्लैंड हुई, ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करने में मदद करते हैं, मतलब हमारी स्थितियां ना बदले। तो हमारे शरीर से जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है और हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हमारे शरीर का निश्चित तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो जब तापमान ज्यादा होता है शरीर को गलत प्रभाव ना पड़े, गर्मी ना लगे ज्यादा, तो फिर हमारे शरीर से परस्पायरेशन होता है, पसीना बाहर निकलता है, और जैसे सुराही में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, पानी वेपर के रूप में सुराही के मटके के मिट्टी के बने हुए मटके के छोटे छोटे पोर से, और वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके ठंडा कर देते पानी को ड्यूरिंग द एवेपोरेशन, ठीक वैसे ही हमारे शरीर से स्वेट ग्लैंड पसीने को बाहर एवेपोरेट करती है, इस प्रोसेस में हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किडनी हो गए, लंग्स हुआ, और स्वेट ग्लैंड और शरीर के और भी ऑर्गन थोड़ी मात्रा में मदद करते हैं, जैसे कि लीवर भी मदद करता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे शरीर में जो अमोनिया बनता है, अमोनिया चूंकि बहुत टॉक्सिक होता है, इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, तो इसके लिए हमारे शरीर में ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल होता है, और इसमें लीवर मदद करता है। तो ये कुछ ऑर्गन हुए जिसमें से किडनी मुख्य ऑर्गन है, और अब हम आपको बच्चों बताएंगे कि हमारे शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम, अर्थात ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये एक स्ट्रक्चर जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन को बताने के पहले मैं आपको ये दो किडनी जो आप देख पा रहे होंगे बीन के शेप की होती हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं सेम के दाने की तरह होती हैं, थोड़ी सी बड़ी होती हैं सेम के दाने से, तो इन्हें हम दो किडनी कहते हैं। दीज टू किडनी आर सिचुएटेड इन द रेट्रोपेरिटोनियल साइड एंड टुवार्ड्स द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एंड वन इज नोन एज लेफ्ट किडनी, अनदर नोन एज राइट किडनी, एंड फ्रॉम ईच किडनी यू विल बी एबल टू सी दैट देयर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड, दिस इज नोन एज यूरेटर। सो फ्रॉम ईच किडनी स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू सी दैट दिस इज नोन एज यूरेटर, and here is the left ureter and right ureter. So ureter again after going to the it needs
विद द यूरिनरी ब्लैडर। सो देख रहे होंगे दोनों किडनी से पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर से मिलती है। प्रत्येक यूरिनरी ब्लैडर फिर आगे चल के देखा होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से खुलता है शरीर के बाहर, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, अर्थात इसे हम सामान्य भाषा में पेशाब वाली नली कहते हैं। यूरेथ्रा जो होता है ये मेल के में थोड़ी इसकी लंबाई ज्यादा होती है और फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है। तो हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं और दोनों किडनी में ब्लड सप्लाई होती है। आप देख पा रहे होंगे देयर इज द लेफ्ट रीनल आर्टरी इज ए पार्ट ऑफ दैट इज ए पार्ट ऑफ वेना कैवा। सो दिस लेफ्ट रीनल आर्टरी अगेन डिवाइड इनटू द लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड राइट रीनल आर्टरी। सो बोथ किडनी इज सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी व्हिच इज ए पार्ट ऑफ वेना कैवा एंड आफ्टर entering the renal artery in the left and right kidney, the renal artery is again divided into many fine process known as renal arteriole. So ये हम कह सकते हैं कि दोनों kidney में separate blood supply होती है और ये kidney हमारे शरीर के बहुत ही vital organ है। Kidney के अंदर लाखों की संख्या में पतले पतले thread like structure भरे रहते हैं, इन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। सो हमारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। सो आप नेफ्रॉन में देख रहे होंगे कि रीनल आर्टरी की एक ब्रांच कप लाइक स्ट्रक्चर में इंटर कर रही है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, स्लाइड में देख पा रहे होंगे। इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। तो आप देख रहे होंगे रीनल आर्टरी इंटर करती है, इसे कहते हैं एपरेंट रीनल आर्टेरियोल और ये आगे चल के पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है, उन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस और बहुत सारे ग्लोमेरुलस वुमेन कैप्सूल में भरी रहती और फिर ग्लोमेरुलस फिर बाहर निकलते फिर यूनाइट होके और फिर बनाती एपरेंट रीनल आर्टेरियोल। एपरेंट रीनल आर्टेरियोल इंटर करता है, एपरेंट रीनल आर्टेरियोल बाहर निकलता है और वुमेन कैप्सूल इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज ए कप शेप्ड एंड फ्रॉम द वुमेन कैप्सूल देयर इज ए स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज यू शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। सो दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। सो इन द लूप ऑफ हेनले देयर इज टू ब्रांच, वन इज नोन एज डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड अनदर इज नोन एज असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन कैप्सूल, देन देयर आफ्टर देयर इज ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती, उसके बाद लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो भाग बताए हमने, डिसेंडिंग लिंब एंड असेंडिंग लिंब एंड देयर आफ्टर देयर इज ए कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट एंड हम कह सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट के पहले there is a distal convoluted tubule. So Bowman capsule, proximal convoluted tubule, descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, and thereafter the distal convoluted tubule and collecting duct. So ये सारी structure मिलके बनाती हैं हमारे nephron को। Nephron is the structural and functional unit of the kidney. और प्रत्येक kidney में बहुत सारी मात्रा में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट इन द किडनी। मतलब मेरे आपके शरीर में जो भी फिल्ट्रेशन का काम होता है, मतलब मेरे शरीर में हर चीज वेस्ट जो भी जनरेट हुआ उसे ब्लड के माध्यम से किडनी में पहुंचता है वो, और किडनी फिर उन्हें नेफ्रॉन की मदद से छानती है, फिल्टर करती है। और ये नेफ्रॉन एक प्रकार के हमारे शरीर की एक होम्योस्टेसिस को बनाने में किडनी की मदद करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे देयर इज ए लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट। सो अब नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेशन और किडनी कैसे काम करती है। किडनी के अंदर हमने आपको बताया कि किडनी के जो भी काम होते हैं
उनके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन क्या करते हैं इसे आप समझना जरूरी है. सो नेफ्रॉन क्लीन द ब्लड इन थ्री स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या आप सिंपली सोच सकते हैं फिल्ट्रेशन. सो ये जो नेफ्रॉन होते हैं तो नेफ्रॉन क्या करते हैं किडनी के अंदर जो ब्लड एंटर करता है फिर वो नेफ्रॉन के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज का जाल फैला रहता है और उनमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट अमीनो एसिड ग्लूकोज यूरिया एंड अदर साल्ट जो होते हैं ये डिफ्यूजन की मैकेनिज्म के द्वारा ये छनते हैं. सो आप देख पा रहे होंगे ये कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन कैप्सूल. इसके अंदर एक ब्लड वेसल इंटर की है जिसे एफरेंट रीनल आर्टेरियोल कहते हैं. ये पतली पतली चार पांच या कई सारी पतली ब्रांच में टूट जाती है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस की दीवार बहुत पतली होती बहुत थिन होती है. इसमें ब्लड जब पहुंचता है और तो एक प्रेशर जनरेट होता क्योंकि एफरेंट रीनल आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है मतलब ब्लड इंटर करता है ज्यादा डायमीटर वाली ब्लड वेसल से और बाहर निकलता है कम डायमीटर वाली ब्लड वेसल से कम चौड़ी ब्लड वेसल से. इससे एक प्रेशर जनरेट होता है उसके आधार पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद दूसरी जो एक्शन होती है सेकेंड स्टेप जो किडनी में होता है जो नेफ्रॉन में होता है दैट इज नोन एज रीअब्जॉर्प्शन. सो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन में द सेकेंड स्टेप इज नोन एज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल. तो कई बार क्या होता है चूंकि आप देख पा रहे होंगे नेफ्रॉन के चारों तरफ पतली पतली पेरी ट्यूबुलर प्लेक्सस और वासा रेक्टा में जो पतली पतली ब्लड कैपिलरीज चारों तरफ से उसको घेरे रहती हैं तो कई बार क्या होता है कि एज द फिल्ट्रेट इंटर्स द रेस्ट ऑफ द ट्यूब्यूल मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर रीअब्जॉर्ब इन द ब्लड. सो मटेरियल्स नॉट रीअब्जॉर्ब मेक अप द यूरिन विच फ्लोज इन टू द लूप ऑफ हेनली. तो वोमेन कैप्सूल से जो छन छन के जो भी फिल्ट्रेट पहुंचता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर लूप ऑफ हेनली में तो कई बार उसमें यूजफुल चीजें पहुंच जाती हैं तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है जो भी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज का जो जाल है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनली के चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ से उसको लिपटा हुआ होता है तो वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है जो यूजफुल सबस्टेंस को और जो अनअब्जॉर्ब सबस्टेंस होते हैं वो फिर आगे जाते हैं और फिर वो यूरिन के रूप में के शरीर से बाहर निकलते हैं. सो तीसरी प्रोसेस में वो आप कह सकते हैं एक्सक्रीशन. सो इन द लूप ऑफ हेनले वाटर कैन बी रीअब्जॉर्ब वन फाइनल टाइम टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन. द रिमेनिंग यूरिन फ्लोज इन टू द कलेक्टिंग डक्ट एंड लीड्स टू द यूरेटर. और चूंकि क्लास 10 है जब आप क्लास 11 में पहुंचेंगे तब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा स्टेप ट्यूबुलर सेक्रीशन और उसके बाद जो भी रीनल फिल्ट्रेट बचेगा उसे हम यूरिन का नाम देंगे और फिर इस प्रकार से हमारी किडनी काम करती. बच्चों हमारी किडनी रात दिन काम करती रहती है और पूरे दिन में लगभग 1.5 लीटर के आसपास यूरिन बाहर निकालती है. तो ये बहुत जरूरी इसलिए कहा जाता है लगातार पानी पीते रहिए जिससे कि किडनी हमारी अच्छे से काम कर सके और फ्लशिंग अच्छे से होती रहे हमारे शरीर से टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकलते जाए. लेकिन आपने देखा होगा बच्चों की कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि कोई साइड इफेक्ट दवा का हो गया या कोई चोट लग गई कोई इंजेक्शन लग गया या कोई इस प्रकार की कोई दवा किसी ने खा ली जिसका साइड इफेक्ट है या फिर बाई बर्थ कोई डिफेक्ट है तो ऐसे व्यक्ति की किडनी फिर काम नहीं करती है. ऐसे व्यक्ति को फिर ऑर्गन डोनेशन की जरूरत होती या फिर लंग्स काम नहीं करते तो लंग्स के भी डोनेशन की जरूरत होती या लीवर काम नहीं कर रहा तो लीवर के डोनेशन की जरूरत होती. आप लोगों ने बच्चों सुना होगा आंखों का डोनेशन होता है आई डोनेशन बहुत पॉपुलर है जिसमें कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है. तो कुल मिला के ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही जेनरस एक्ट है बच्चों और इसमें हम डोनेशन करके किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं क्योंकि जो ऑर्गन ये जो भी होते हैं एक व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं. कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति जब अपने पहले से एग्रीमेंट पर लिख जाता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए या ऑर्गन डोनेशन बैंक को दे दिया जाए
इसके आधार पर हम कई सारी लोगों की जान भी बचा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन आपने बच्चों ये देखा होगा, जब किसी व्यक्ति की किडनी भी खराब हो जाती है तो उसको भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। तो जब किडनी खराब होने के लिए कई सारे फैक्टर जिम्मेवार हैं, जिसमें लाइफ स्टाइल हो सकती है आप, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई ड्रग का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, या किडनी अपना काम करते हुए करते भी खराब हो सकती है। तो जब किडनी खराब हो जाती, काम करना बंद कर देती, उसे कह देते हैं किडनी फेल्योर। तो उस स्थिति में एक तो रास्ता है कि किडनी में डायलिसिस की जाए, अर्थात किडनी का काम एक आर्टिफिशियल किडनी से कराया जाए, या दूसरा रास्ता है हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करें। जैसे इस स्लाइड में देख सकते हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करके लोगों की भी जान बचाई गई है। तो दूसरा रास्ता जब यह है कि जब किडनी खराब हो जाती है तो फिर व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और फिर एक अलग से डायलिसिस मशीन होती है, उसमें उस व्यक्ति के पूरे शरीर को उसके शरीर से जोड़ा जाता है एक ब्लड वेसल से, और दूसरी ब्लड वेसल से फिर रोलर पंप को, और फिर ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और इस प्रकार से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। तो ये एक प्रकार की क्रिया कहलाती, जिसे हम कहते हैं रीनल फेल्योर के दौरान जब डायलिसिस करते हैं तो ये हीमोडायलिसिस कहलाती है। इसमें जो काम नॉर्मल किडनी करती है, वो काम फिर ये हम एक मशीन के माध्यम से करते हैं, और उस मशीन में जैसा आप देख पा रहे होंगे फिगर में, उसमें डायलिसिस फ्लूइड भी होता है, और ऐसी मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल जो इसको छानने में मदद करती है। इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। बच्चों, ये तो बात हुई कि जो भी एनिमल्स में इस प्रकार से जो वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकाले जाते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्लांट भी अपने वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं अलग अलग ढंग से। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको प्लांट फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यूज कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि द सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन प्लांट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन प्लांट, एंड प्लांट प्रोड्यूस टू गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। सो एक्सक्रीशन ऑफ द गैसियस वेस्ट इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रो स्टोमेटल पोर्स और लीव्स। स्टोमेटा आपने पढ़े ही होंगे बच्चों, उसकी हमने शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि उसके लीव्स पर पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन इस प्रकार से रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को गैसेस एक्सचेंज के रूप में रिलीज करते हैं। एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय द ट्रांसपायरेशन, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके अलावा प्लांट में ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको भी एक्सक्रीट किया जाता है, जैसे गम हुआ, ऑयल हुआ, लेटेक्स हुआ, रेजिन हुआ, ये जो चीजें बनती हैं इनको प्लांट के अलग अलग भाग से बाहर निकाला जाता है, जैसे बार्क से बाहर निकाला जाता है, स्टेम के बार्क से, लीफ से, अलग अलग जगह से इसको बाहर निकाला जाता है। कई बार देखा होगा पत्तियां भी जब पुरानी हो जाती हैं, गिरने लगती हैं, तो प्लांट सेड ऑफ देयर लीव्स आल्सो एज वेल एज प्लांट सेड ऑफ गम्स, ऑयल, लेटेक्स, रेजिन एटसेट्रा आल्सो। तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्लांट भी अपने बाहर निकालता है अलग अलग ढंग से, और समटाइम्स इट इज सीन दैट प्लांट इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल। सो दीज दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द प्लांट। सो बच्चों, आज आपने पढ़ा कि एनिमल्स एंड प्लांट अपने वेस्ट सब्सटेंस को लाइफ प्रोसेस के दौरान, जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, अलग अलग सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं। मेरे आपके शरीर में प्रिंसिपल फिल्ट्रेशन ऑर्गन, जिसे हम किडनी कहते हैं, एक्सक्रीशन, और इसके अलावा लंग्स, लिवर और स्किन भी मदद करती है, और प्लांट में भी कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन और वाटर कम्स रेजिन को भी प्लांट एक्सक्रीटी सब्सटेंस के रूप में अलग अलग प्लांट के पार्ट से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सर, और इन तमाम जानकारियों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद हम करना चाहेंगे। तमाम जितने भी एक्सक्रीशन के आज के अंदर टॉपिक्स पढ़े, तमाम वेस्ट्स के बारे में आपने बताया, किडनी की इंपॉर्टेंस आपने बताई, साथ में बताया प्लांट्स में क्या एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और समझती हूँ कि दर्शकों तक ये जानकारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंची हो। सुशील सर, इसी के साथ वक्त हो गया सत्र को यहीं पर समाप्त करने का। हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ इस तमाम सत्र में हमारे साथ जुड़े रहे। आप कहीं मत जाइएगा, फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ जो कि है हिंदी का। जुड़े रहिए पीएम विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।